बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू bakhrrishtey.com। आज हम bakhrrishtey.com में आपको रजिस्टर्ड होने का आसान तरीका बताएंगे। और रजिस्टर्ड होना bakhrrishtey में लाजमी है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, और फीमेल के लिए भी रिश्ते बिल्कुल फ्री हैं, गरीब फैमिलियों के लिए भी रिश्ते फ्री हैं। तो इसके अलावा आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। आज हम आपको मोबाइल के ज़रिए लॉगिन करना और अकाउंट रजिस्टर्ड करना सिखाएंगे। और अगली वीडियो की लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। इसके बाद आप दूसरी वीडियो देखने के लिए इसका अगला प्रोसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे फॉलो करके अगली वीडियो देख सकते हैं। तो चलें, यहाँ सबसे पहले अपने वेबसाइट टाइप कर लेनी है, www.bakhrrishtey.com। bakhrrishtey.com टाइप करने के पास एक आपके सामने ऐसा फॉर्म इसका डिस्प्ले आ जाएगा। तो इस डिस्प्ले में आज हम आपको इसका आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के ज़रिए मुकम्मल समझाएंगे। इसमें आप कैसे रिश्ता मिलता है, आपको कैसे रजिस्टर होते हैं, कैसे इससे चैट करते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपको रजिस्टर होने का आसान तरीका बताएंगे। काफ़ी भाइयों ने रिक्वेस्ट की है कि मोबाइल में लॉगिन करके रजिस्टर नहीं होता। तो चलें, आपके सामने मैंने गूगल क्रोम हर मोबाइल में होता है उसमें ओपन की है वेबसाइट www.bakhrrishtey.com और हमारे सामने एक वेबसाइट आ चुकी है। तो चलें, यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन आपको बता देते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है रजिस्टर का, और एक यहाँ पर मिलता है, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, और एक ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। तो हम सबसे आसान लॉगिन के साथ जो रजिस्टर का ऑप्शन है यहाँ पे ओके करते हैं और रजिस्टर फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये रजिस्टर फॉर्म आ गया है, इसको अब हमने फिल करना है। तो चलिए आपको फ़िल करने का आसान तरीका बता देते हैं कि इसमें आपने फ़िल कैसे करना है। तो फिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने सबसे पहले अपना फ़ास्ट नेम यहाँ पर टाइप करना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो आपके सामने ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे अपना पासवर्ड आपने जीमेल का, गूगल का जो अकाउंट है वो आपने टाइप करना है। जो आप टाइप करेंगे गूगल का अपना जीमेल, यहाँ पे अपना पासवर्ड, ये जीमेल अकाउंट हर किसी का मोबाइल में आजकल लाजमी होता है, वही जीमेल आप इस वेबसाइट में टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड कोई भी रखना है, लाजमी नहीं आपने अपना जीमेल का पासवर्ड रखना है। आप यहाँ पे कोई भी अपना पासवर्ड न्यू टाइप कर सकते हैं जो आसान हो। यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो, ये देखें, यहाँ पे आप कम से कम 2 MB से कम ही फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी भाई कहते हैं कि फ़ोटो अपलोड नहीं होती, फ़ोटो अपलोड आप छोटी कम से कम, क्योंकि मोबाइल के कैमरे की जो फ़ोटो होती है उसकी MB ज़्यादा होती है, और जो वैसे फ़ोटो होती है उसकी मेमोरी कम होती है। यहाँ पे हम आपको फ़ोटो लगा के दिखा देते हैं। ये देखें, आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन दिया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने 10 हिंसों का टाइप करना है, 0 के बगैर आपने मोबाइल नंबर टाइप करना है, ठीक है। ये देखें, हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है फ़ोटो अपलोड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपने ओरिजिनल टाइप करना है। ये आपको, ये मोबाइल नंबर आपकी प्राइवेसी में चला जाएगा, यानी कि कोई भी बाहर वाला आप जब इसमें रजिस्टर्ड होके देख पाएगा वही इसमें देखेगा। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पर हाइट का, जो आपने सेलेक्ट करते जाना। इसमें आपने टाइप ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है। ये बहुत ही आसान वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपने मेल है, फीमेल, जो भी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन मुस्लिम, यहाँ पे पंजाबी, सराइकी, जो भी आपकी मादरी ज़ुबान है। यहाँ पे आपकी कास्ट का, जो भी कास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आल कास्ट, तो आपने आल कास्ट पे ओके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप अनमैरिड हैं, बेवा हैं, तलाक़ याफ्ता, सेपरेट, शादीशुदा, जो भी हैं, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप इसको नो भी कर सकते हैं और येस भी कर सकते हैं लैंग्वेज को। तो यहाँ पे आपको तालीम का ऑप्शन मिलता है, आपकी जितनी भी तालीम है आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद आपके पास जॉब का ऑप्शन मिल जाता है, प्राइवेट जॉब, प्राइवेसी, जो भी आप जॉब करते हैं उसी हवाले से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है नीचे, यहाँ पे आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका है स्टेट, यहाँ पे आपने महाना इनकम जो आपकी ओरिजिनल है आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपके कंट्री, आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की कंट्री चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको स्टेट का ऑप्शन मिल जाएगा पंजाब, तो यहाँ पर आपने सिटी का ऑप्शन मिल जाएगा,
तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना अबाउट मी में अच्छी सी डिटेल टाइप करनी है, अपने बारे में सब कुछ इसमें वजाहत कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अनमैरिड, और उसके बाद आपको मिलता है पार्टनर प्रोफेंट। इसमें आपको ध्यान देना है, ज़रा तवज्जो से देखना, इसमें आपने अभी कैसा आपको रिश्ता चाहिए, यानी कि आप कैसा रिश्ता चाह रहे हैं, अगर लड़का है तो आप कैसी लड़की का रिश्ता चाह रहे हैं, अगर लड़की है तो आप लड़का कैसे का रिश्ता चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है, जो जो भी आपको पसंद है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आप सारे ऑप्शन पार्टनर प्रोफेंस में, ये जब आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो ऐसा ही रिश्ता आपके पास मैचिंग में आएगा जो जहाँ पे आप टाइप करेंगे। तो आप बेस्ट है भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते आएँ। तो यहाँ से आपको अपनी एज सेलेक्ट कर लेनी है, कितने से कितने तक आपको रिश्ता चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपनी कंट्री, किस कंट्री का आपको रिश्ता चाहिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री चूज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मसलिक, आप अहले सुन्नत अहले हदीस दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कास्ट, फिर आपके पास यहाँ पे कास्ट का जो ऑप्शन आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो कास्ट में आपको ऑप्शन जो आता है यहाँ पे, आपने आल कास्ट का ऑप्शन टाइप कर देना है। ये आपने मुकम्मल जो है ना पार्टनर प्रेफरेंस टाइप करके, तो इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने, आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड पे ओके करता हूँ, तो ये देखें अगला प्रोसेस आ जाएगा। तो अगर कोई मसला मसाइल हो तो यहाँ पे ऊपर आ जाता है, लेकिन हमने इसमें कंप्लीट वेबसाइट में मुकम्मल डिटेल टाइप की है। कोई भी जो ऑप्शन है वो खाली नहीं छोड़ा, अगर कोई भी ऑप्शन खाली छोड़ेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगी। अभी देखें, ये हमसे पूछ रहा है आप फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, यानी हमने फ़ोटो अपलोड पहले की है तो यहाँ से स्किप कर देते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये देखें आपके आंखों के सामने मैं मोबाइल के ज़रिए रजिस्टर होने का आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक इस्लामिक रिश्ता वेबसाइट है, इसमें आपको बेशुमार रिश्ते मिलते हैं। तो अभी आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाता है, आपने इसमें भी अच्छी सी डिटेल टाइप कर देनी है, जैसी आप चाहते हैं वैसी ही इसमें आपने अपना जो ना डिटेल टाइप कर दें। अगर ये स्किप भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी जितनी, अगर आप फ्री में रिश्ता हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसमें कम से कम 100% या 80% डिटेल जो है ना वो टाइप करनी लाजमी है। तो फीमेल के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी मुकम्मल डिटेल जो है ना वो ऐड करे, क्योंकि डिटेल ऐड जितनी करेंगे उसी हिसाब से आपको अच्छा और म्यारी रिश्ता मिलेगा। तो इसमें ये, यहाँ से आप इसे स्किप कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये देखें, ये कह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुका है, अभी आपको कुछ घंटे बाद ये प्रोसेस मिलेगा। इसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ कि अभी आपकी जो प्रोफाइल है वो bakhrishta.com में रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो अभी आपके एक जो जीमेल आपने टाइप किया है ना, उस जीमेल पे एक लिंक आती है, वो जीमेल अकाउंट जो मैंने आपको बताया है वो जीमेल पे आप जाएं, वहाँ पे आप लिंक देखें। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही तो आप bakhrishta.com के कॉन्टैक्ट नंबर में जा सकते हैं, यहाँ से ये बटन आप ओके करें, और ये फ्रंट पे भी इनका आसान है कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और अपनी प्रोफाइल की आईडी नेम लेना है। तो आईडी नेम आपको फिर आगे कहाँ इस्तेमाल करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह कम्प्लीटली बताऊंगा। तो आपने यहाँ से देखें आईडी, जो आपकी जीमेल पे आईडी जाएगी वो कोई ऐसे होगी, ठीक है। तो ऐसी आईडी आपने यहाँ पे टाइप कर लेनी है। आईडी टाइप करने के बाद, ठीक है, आपकी ये आईडी जीमेल अकाउंट पे जाएगी, वहाँ से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं और यहाँ से bakhrishta.com पे कॉन्टैक्ट करके भी अपनी आईडी नेम ले सकते हैं। तो आईडी नेम यहाँ पे आपने अपनी टाइप कर देनी है, ठीक है। आईडी नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने जो अपना पासवर्ड टाइप करना है, तो यहाँ से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ से दोबारा हम इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने आईडी नेम जो है वो टाइप करना है, ठीक है, और यहाँ पे हमने पासवर्ड, और यहाँ से हमने लॉगिन कर देना है। ये वही आईडी होगी जो हमारे bakhrishta.com पे जाएगी, ठीक है। अभी ये देखें, हमने इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। हमारे पास जो मैचिंग के रिश्ते हैं वो नीचे आ रहे हैं आपकी आंखों के सामने, तो ये कम्प्लीटली रिश्ते हैं, इसमें ये सब रजिस्टर्ड रिश्ते हैं, ये इतने नहीं आएंगे। इसमें आपको मैं अगला प्रोसेस अगली वीडियो में इंशाल्लाह कम्प्लीटली बताऊँगा
कि ये एक बहुत ही बड़ी फेसबुक जैसी वेबसाइट है, इसमें आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग भी कर सकते हैं, आप अपनी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं और फ़ोटो को टैग भी लगा सकते हैं ताकि आपकी फ़ोटो बाहर वाला कोई ना देखे। सिर्फ जो पेड मेंबर हैं जिन्होंने इस bakhreishta.com में अपना जो है ना महीने का पैकेज ख़रीदा है, 2 महीने का पैकेज ख़रीदा है, तो उसी हिसाब से आप इसमें पैकेज भी ख़रीद सकते हैं और इसमें आप रिश्ते के कॉन्टैक्ट नंबर ख़ुद दे सकते हैं। वो आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं मुकम्मल बताऊंगा। वो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए शुक्रिया, अस्सलाम।